हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फिर से एक नई रेसिपी लेकर आई। तो आज का रेसिपी है मैदे की पूरी। तो यहाँ पर मैंने मैदा लिया है और मैदे की पूरी जो है बहुत ही सॉफ्ट और फूला फूला बनाएंगे। तो मैंने 500 ग्राम मैदा लिया है और इसमें मैंने नमक ऐड किया है स्वाद अनुसार। और इसमें थोड़ी सी हम अजवाइन डालेंगे, इसका अच्छा सा टेस्ट आता है। और उसके बाद हम मूंग के लिए इसमें थोड़ा तेल डालेंगे। कुकिंग ऑयल मैंने ऐड किया है, अगर आप चाहे तो घी वगैरह भी आप ऐड कर सकते। और 1 कप मैंने दूध लिया है। दूध से जो है मैदा सॉफ्ट बनेगा और उसका जो लुक भी है बहुत ही अच्छा लगेगा देखने में, और खाने में तो बहुत ही टेस्टी है ही ये। और थोड़ा थोड़ा पानी इसमें ऐड करके हम डो तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे डो तैयार हो गया है। अब 1 चम्मच हम कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे और इसे 10 से 15 मिनट इसे रेस्ट देंगे। तो 15 मिनट हो गया है, तो फिर आप देख सकते हैं बहुत ही सॉफ्ट हुआ है। और यहाँ पे लोई करके पूरी का जो साइज होता है वैसा बना सकते हैं, छोटा या बड़ा आपको जैसा पसंद हो तो उस तरह से आप बना सकते हैं। और इस तरह से आप बनाएंगे तो खिला खिला पूरी जरूर बनेगा। आप एक बार ट्राई जरूर करना और ज़रूर बनेगा ही, ऐसा नहीं है नहीं बनेगा। तो मैंने यहाँ पे लोई बना लिया है और थोड़ा टेस्ट करेंगे और उसके बाद एक एक करके हम बेल लेंगे। तो आप देख सकते हैं पूरी एकदम फूल गई है। और सभी पूरी को हम इस तरह से बना लेंगे। Thank you.
तो यहाँ मैदे की पूड़ी जो है रेडी होता है एकदम फुली फुली, आप देख सकते हैं। और ये फुली फुली पूड़ी खाने में भी बहुत मज़ा आता है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।